नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नवरात्र के अष्टमी तिथि पर मान्यता अनुसार भक्तों ने मां अन्नपूर्णा व मां मंगला गौरी के दरबार में टेका मत्था। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा, प्रधानमंत्री लोकतंत्र का घोट रहे गला। बाबा महाश्मशान नाथ के श्रृंगार महोत्सव के समापन पर नगर वधुओं ने लगाई हाजिरी। और सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में नवरात्र की अष्टमी तिथि पर देवी स्वरूप कन्याओं का हुआ पूजन। और अब खबरें विस्तार से। नवरात्र की अष्टमी तिथि पर मान्यता अनुसार भक्तों ने माता अन्नपूर्णा व मां मंगला गौरी के दरबार में मत्था टेका। नवरात्रि के आठवें दिन माता रानी के आठवें स्वरूप मां महागौरी की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक मां महागौरी ने भगवान शिव की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की थी, जिस कारण इनका शरीर काला पड़ गया। जब भगवान शिव ने मां महागौरी को दर्शन दिया तब उनकी कृपा से इनका शरीर गौर वर्ण का हो गया। इसके बाद इनका नाम गौरी पड़ा। काशी में इस दिन माता अन्नपूर्णा का दर्शन पूजन होता है, जिनका मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर के समक्ष स्थित है। इस दौरान भोर से ही मंदिर में भक्तों के पहुंचने का क्रम प्रारंभ हो गया। श्रद्धालुओं ने मां को फल फूल मिष्ठान इत्यादि अर्पित कर जीवन मंगल की कामना की। वहीं इस अवसर पर महिलाओं द्वारा मंदिर में परिक्रमा भी की गई। वहीं चैत्र नवरात्र में मां गौरी के दर्शन पूजन का विधान है। मां गौरी के दर्शन पूजन के क्रम में आठवें दिन मां मंगला गौरी की उपासना की जाती है। देवी मंगला गौरी का मंदिर पंचगंगा घाट क्षेत्र में है। मंगला गौरी मंदिर के महंत नारायण गुरु ने बताया कि यहां मंगला गौरी माता का मंदिर भगवान सूर्य द्वारा स्थापित किया गया था। ये मंदिर काशी के आनंद वन और कटी वन की चोटी पर स्थापित है। मां मंगला गौरी सौभाग्य और मंगल की देवी है। व्रती महिलाएं यहां नवरात्र में 9 दिन दर्शन को आती हैं। माता का दर्शन साल भर सौभाग्य कामना और मंगल कामना के लिए होता है। यहां सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उन्होंने बताया कि काशी के इस मंदिर में विवाह बाधा दर्शन मात्र से दूर हो जाती है। मां की कृपा से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही मां सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। वहीं इस अवसर पर मंदिर प्रांगण की आकर्षक सजावट की गई थी। इसके साथ ही मां का भव्य श्रृंगार किया गया था, जिनका दर्शन कर भक्त निहाल हो उठे। भक्तों ने मां को नारियल, चुनरी, माला, फूल, हल्दी की गांठ इत्यादि अर्पित कर जीवन मंगल की कामना की। आज मां का अष्टमी का दिन, सब गौरियों में आठवें दिन माता मंगला गौरी का दर्शन होता है। माता मंगला गौरी सौभाग्य और मंगल की प्रधान देवी हैं। अपने सौभाग के लिए, अपने मंगल के लिए, मंगल दोष ग्रह के दोष को निवारण के लिए, जिसकी शादी ब्याह नहीं हो रहा है उसके लिए हर व्यक्ति अपनी कामना लेकर मां के दरबार में आ रहा है और दर्शन कर रहा है। आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ। कुछ लड़कियाँ ये कहती है, गुरु जी हमें साल भर हो गया दर्शन करते, मेरा विवाह क्यों नहीं हुआ। उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आपके यहाँ कहीं ना कहीं पितृ दोष है। पितृ की कृपा होगी, माता कृपा तो आपके यहाँ हो गई, क्योंकि माता को 9 दिन मिला और पितृ को 16 दिन मिला। तो पितृ का काम पहले करिए और पितृ को खुश करके तब देवता के आएंगे, तो आपका काम निश्चित पूर्ण होगा, 100% रिजल्ट आएगा। जय माता, जय गुरु। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा, प्रधानमंत्री लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने एक निजी होटल में मीडिया से खास बातचीत की। राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा
कि अडानी को बचाने के लिए पीएम मोदी लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। राहुल गांधी को निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने मोदी जी से अडानी के बारे में पूछा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लोकतंत्र को बचाने के लिए सब कुछ करेगी। इससे साफ पता चलता है कि पीएम मोदी नहीं चाहते कि अडानी के साथ उनके रिश्ते का पर्दाफाश हो। में हम सब की आय घटी, आपकी भी घटी, मेरी भी घटी, सबकी घटी, हर व्यक्ति की घटी। उस समय एक व्यक्ति इसी त्वरित तेजी से बढ़ रहा है कि वो दुनिया का 600वां नंबर का अमीर था जो दूसरे नंबर का अमीर हो गया। मैं तो कहूंगा ऐसी अमीरी देश के युवाओं को और काशी के युवाओं को क्यों नहीं नसीब हो रही। एक मन की बात मोदी जी गेस्ट फैकल्टी लेके आइए, एक मन की बात में अडानी को, ताकि वो देश के युवाओं को बताए कि कैसे 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर 600 नंबर की अमीरी से वो दूसरे नंबर की अमीरी में पहुंच गए दुनिया में। एक गेस्ट फैकल्टी करवाइए नीरव मोदी से कि कैसे सप्ताह भर पहले वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्विट्जरलैंड में मोदी जी के साथ दिखते और सप्ताह भर बाद बैंक का घोटाला हो जाता है। एक गेस्ट फैकल्टी में बुलाइए विजय माल्या को कि कैसे वो तत्कालीन वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली से 1 घंटा पहले संसद में मिलते हैं, 1 घंटे बाद उनकी लंदन की फ्लाइट उड़ जाती है। एक गेस्ट फैकल्टी कराइए ललित मोदी से कि कैसे 1 दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर 1 रुपये का शेयर 3,500 रुपये का हो जाता है। ये जादू हमें भी सिखाइए, देश के युवाओं को सिखाइए जो रोजगार के लिए घूम रहे हैं कि 1 रुपया 3,500 में ये फॉर्मूला इन चारों महानुभावों को लाइए। अडानी साहब की एक मन की बात कर रही है मोदी जी, दूसरे मन की बात में नीरव मोदी को लाइए, तीसरे मन की बात में ललित मोदी को लाइए, चौथे मन की बात में विजय माल्या को लाइए, ताकि देश के युवाओं को ये फॉर्मूला पता चले, उनका रोजगार कैसे बढ़े, ताकि उनको रोजगार की जरूरत ही नहीं है। 1 का 3,500 एक दिन में किसी को नहीं चाहिए। हे प्रभु, हे बाबा विश्वनाथ, ऐसा वरदान हमें भी दीजिए कि 1 रुपये का 3,500 एक दिन में, ऐसा वरदान हमें भी दीजिए कि 600 नंबर का रईसी का व्यक्ति दूसरे नंबर पे, वो भी कोरोना काल में जब देश के हर व्यक्ति की 97% देश के लोगों की आय घटी है CMIE के अनुसार, उस दौरान अडानी जी की आय बढ़ रही। आप लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस बात को कैसे देखिए, जो न्यायिक कार्रवाई है वो तो होगी, जो न्यायिक कार्रवाई है, जो न्यायालय की कार्रवाई है वो तो न्यायालय की कार्रवाई तो जैसा जो प्रोसेस होता है उसके अनुसार करेंगे। पर सवाल ये है कि जनता के अदालत में भी ये सवाल जाना चाहिए, जनता के बीच में भी ये सवाल जाना चाहिए। ये 2 साल का जो सजा का ऑर्डर है ये सिर्फ राहुल गांधी जी के लिए नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए है, हर उस सच्चे हिंदुस्तानी के लिए है, यह हर उस सच्चे देशभक्त के लिए है जो ये सवाल पूछ रहा है कि मोदी जी, अडानी जी और आपका रिश्ता क्या कहलाता है। ये हर उस व्यक्ति के लिए है कि जो ये सवाल पूछता है कि 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी आज क्यों है। इसको आप एक व्यक्ति विशेष से मत जोड़िए, ये सवाल हर उस संविधान में विश्वास करने वाले नागरिक के लिए है जो बोलता है क्या मोदी सरकार में जो सवाल पूछेगा उसके ऊपर ईडी भेज दी जाएगी, CBI भेज दी जाएगी। ये हथकंडा भी अपनाया गया था राहुल जी के खिलाफ जब उन्होंने पूछा कि LAC के हमारी तरफ चीन ने परमानेंट बंकर क्यों बना लिए, तो ईडी भेज दी। ईडी अगर बिजी होती तो CBI भेज देते हैं, CBI अगर बिजी होती है तो SFIO भेज देते हैं, SFIO बिजी होती है तो इनकम टैक्स को भेज देते हैं, इनकम टैक्स बिजी होती है तो पुलिस को, लोकल पुलिस को भेज देते हैं, पुलिस बिजी होती है तो ट्रोल आर्मी को भेज देते हैं। भेजते रहिए, पर सवाल आज भी अपनी जगह पर खड़ा है। 20,000 करोड़ रुपया अडानी को जिन शेल कंपनियों से मिली, उन 20,000 करोड़ रुपये का मालिक कौन है? इस सवाल का जवाब तो मोदी जी को और अडानी जी को। इसी जांच कीजिए, JPC जांच हो जाती है, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। हमें इन छोटी चीजों में हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे पंडित नेहरू ने, आप तो उत्तर प्रदेश को अच्छे से जानते हैं, उनके पूर्वजों ने उस समय 156 करोड़ रुपए की एसेट्स देश के नाम की थी। ये छोटी चीजें हैं, गर्व हिंदुस्तान के लोग आज जिस तरह से हर गली से, हर मोहल्ले से, हर शहर से युवा लिख रहा है कि राहुल जी मेरा घर आपका घर है,
मेरा घर आपका घर है, हमारा घर आपका घर, आप सवाल पूछिए। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन, घर, वायनाड का चुनाव, ये महत्वपूर्ण चीजें नहीं है साथियों। महत्वपूर्ण चीजें ये है जो मैं आपको सुनाता हूँ, और वो ही महत्व, उसी में पूरी कहानी छुपी है। 7 फरवरी को राहुल गांधी जी ने लोकसभा में सवाल पूछा कि अडानी से मोदी जी आपका रिश्ता क्या कहलाता है। 16 फरवरी को जो केस चल रहा था, जिसमें उस शिकायतकर्ता ने गुजरात हाई कोर्ट में रोक लगाने की मांग करी थी, उसने अपना अनुरोध वापस ले लिया। 23 मार्च को ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी जी को अधिकतम जो सजा हो सकती थी 2 साल, उसमें दोषी ठहरा दिया, और उसके 24 घंटे बाद उनकी संसद सदस्यता को डिस्क्वालीफाई कर दिया, और उसके 40 घंटे बाद मकान खाली कराने का नोटिस भेज दिया। इन डेटों में पूरी कहानी छुपी हुई। बाबा महाश्मशाननाथ के श्रृंगार महोत्सव के समापन पर नगर वधुओं ने हाजिरी लगाई और बाबा से अगले जन्म को सुधारने की प्रार्थना की। चैत्र नवरात्रि के पंचमी से सप्तमी तक चलने वाले बाबा महाश्मशाननाथ के त्रिदिवसीय श्रृंगार महोत्सव का समापन हुआ। इस दौरान बाबा को पंचमकार का भोग लगाकर तांत्रिक विधान से भव्य आरती की गई। ऐसी मान्यता है कि बाबा को प्रसन्न करने के लिए शक्ति ने योगिनी रूप धरा था, और आज बाबा का प्रांगण रजनीगंधा, गुलाब व अन्य सुगंधित फूलों से सजाया गया था। आरती के पश्चात नगर वधुओं ने अपने गायन व नृत्य के माध्यम से परम्परागत भावांजलि बाबा को समर्पित करते हुए मन्नत मांगी कि बाबा अगला जन्म सुधारें, जिसे देखकर सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। इस श्रृंगार महोत्सव के प्रारंभ के बारे में विस्तार से बताते हुए गुलशन कपूर ने कहा कि यह परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है, जिसमें यह कहा जाता है कि राजा मानसिंह द्वारा जब बाबा के इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, तब मंदिर में संगीत के लिए कोई भी कलाकार आने को तैयार नहीं हुआ था। इसी कार्य को पूर्ण करने के लिए जब कोई तैयार नहीं हुआ तो राजा मानसिंह काफी दुखी हुए, और ये संदेश उस जमाने में धीरे धीरे पूरे नगर में फैलते हुए काशी के नगर वधुओं तक भी पहुंचा। जब नगर वधुओं ने अपना ये संदेश राजा मानसिंह तक भिजवाया कि ये मौका अगर उन्हें मिलता तो काशी की सभी नगर वधुएं अपने आराध्य संगीत के जनक नटराज महाश्मशानेश्वर को अपनी भावांजलि प्रस्तुत कर सकती हैं। ये संदेश पाकर राजा मानसिंह काफी प्रसन्न हुए और ससम्मान नगर वधुओं को आमंत्रित किया गया, और तब से ये परंपरा चली आ रही है। इस दौरान बाबा का रात्रि पर्यंत चलने वाला जागरण प्रारंभ हुआ, जो जलती चिताओं के पास मंदिर में अपने परंपरागत स्थान से प्रारंभ हुआ। इसमें सर्वप्रथम आए हुए अतिथियों का स्वागत मंदिर के व्यवस्थापक गुलशन कपूर व अध्यक्ष चैनू प्रसाद गुप्ता ने किया। आयोजन में बिहारी लाल गुप्ता, विजय शंकर पांडे, राजू साफ, संजय गुप्ता, दीपक तिवारी, अजय गुप्ता आदि पदाधिकारी व भक्त शामिल रहे। ये काशी में अद्भुत परंपराओं के लिए जो काशी जानी जाती है, 7 वार 9 त्यौहार के नाम पे, उसी तरह से ये काशी की अद्भुत अलौकिक परंपरा है जो बाबा मशाननाथ के सामने मणगंगा घाट पे निभाई जाती है। ये चैत्र नवरात्र में त्रिदिवसीय श्रृंगार महोत्सव होता है, जो कि पंचमी से सप्तमी तक यहाँ मणगंगा घाट पे किया जाता है। इसमें आज अंतिम दिन नगर वधुएँ अपने नृत्य संगीत के माध्यम से बाबा मशाननाथ जी के सामने अपने नित्यांजलि अर्पित करती हैं। ऐसी मान्यता है कि अकबर के शासन में राजा मानसिंह द्वारा जो दशाश्वमेध घाट पर मान महल बनाया गया है, उसी दौरान बाबा मशाननाथ जी का
उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, क्योंकि जीर्णोद्धार के बाद ही यहाँ, चूँकि अपने धर्म में है कि सभी शुभ कार्य में नृत्य संगीत जरूर होता है, तो राजा के द्वारा बुलाए गए कोई भी संगीतज्ञ मशान पे आने को तैयार नहीं हुआ था। तब काशी की नगर वधुएं इस आयोजन में आने के लिए अपनी स्वीकृति भेजा था, जिसे सम्मान राजा ने स्वीकार करते हुए उनको आमंत्रित किया। तब से ये परंपरा चली आ रही है और नगर वधुओं में ये परंपरा घर कर गई कि अपने वर्तमान नर की जीवन से मुक्ति या मोक्ष की कामना के लिए भी वो यहाँ आती हैं कि उनके इस नर की जीवन से उन्हें मुक्ति या मोक्ष मिले। यही तो अद्भुत है, काशी की अलौकिक छवि है, दिखाई पड़ती है, जो पूरे दुनिया और संसार से अलग है। कि एक तरफ जलती हुई चिताएं हैं, राग वैराग है, तो एक तरफ संगीत भी है, जहां मृत्यु भी मंगल है, उस मंगल कामना से आज नगर वधुएं भी इस नरकी जीवन से मुक्ति के लिए इस मशान पे नृत्य संगीत कर रही हैं। सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में नवरात्र की अष्टमी तिथि पर देवी स्वरूप कन्याओं का पूजन हुआ। नई सड़क सूरज कुंड स्थित सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में नवरात्र की महाअष्टमी पर्व पर कन्याओं का पूजन किया गया। अष्टमी के अवसर पर विद्यालय की प्रबंध निदेशिका तृप्ति तिवारी ने विधिवत देवी स्वरूप कन्याओं के पांव पखारे तथा उन्हें हलवा पूरी का भोग लगाया गया तथा उनमें उपहार बांटे गए। इस दौरान सभी की सुख समृद्धि एवं स्वस्थ जीवन हेतु कामना की गई। इस कार्यक्रम में विद्यालय परिवार के समस्त सदस्य शामिल रहे। मैडम मैं सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में पढ़ाती हूँ। आज हमारे विद्यालय में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर दुर्गा स्वरूप छोटी छोटी कन्याओं को कन्या पूजन कराया गया और उन्हें उनके अनुसार उनके पसंद के कुछ उपहार दिए गए और मैं कामना करती हूँ कि उनका आशीर्वाद हमारे समाज पर सब पर सदैव बना रहे। राहुल गांधी के सरकारी घर को खाली करने के नोटिस पर प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने मेरा घर राहुल गांधी का घर महाअभियान की शुरुआत की। भाजपा सरकार द्वारा राहुल गांधी के सरकारी घर को खाली कराने के नोटिस देने पर प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय मेरा घर राहुल गांधी का घर महाअभियान की शुरुआत की। प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने अपनी पत्नी रीना राय के साथ अपने लोहराबीर स्थित आवास को राहुल गांधी के घर के रूप में समर्पित किया। प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि तानाशाह आपसे एक घर छीन सकता है, इन्हें पता नहीं है कि राहुल गांधी के पास पूरे देश में लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं का घर उनका है। हर कांग्रेस कार्यकर्ता का घर राहुल गांधी जी का घर है। आज बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में लोहराबीर स्थित मेरे आवास को हम अपने पत्नी परिवार की सहमति से राहुल गांधी जी को समर्पित कर रहे हैं। साथ ही काशी सहित पूरे प्रयागराज प्रांत में ये पहल शुरू हुई है कि मेरा घर राहुल गांधी जी का घर है। सभी सम्मानित हमारे मीडिया के भाई साथी, आज हम लोग अपने घर, हमारा जो घर है लोहराबीर, हमारा पैतृक मकान है, जिसमें हम, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब लोग रहते हैं यहाँ पर। तो राहुल जी को कल ये नोटिस दिया है मोदी सरकार ने कि राहुल जी अपना घर खाली कर दें, और राहुल जी ने पहले कहा था महाधिवेशन में छत्तीसगढ़ में कि मेरे पास मेरा अपना कोई मकान नहीं है। तो राहुल जी का कोई मकान ऐसा नहीं है, हम सब लोग अपना मकान उनको समर्पित करते हैं। ये सारी चीज़ देखिए, हम पत्नी, सारे लोगों ने, हम लोगों ने बनाया कि मैं श्री राहुल गांधी जी को का घर है, ये मेरा घर श्री राहुल गांधी जी का घर। ये आज हम सब लोग अपना घर उनको समर्पित कर रहे हैं, बाबा विश्वनाथ की नगरी में, काशी में।
सिक्किम राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने संकट मोचन दरबार में हाजिरी लगाई। चार दिवसीय दौरे पर काशी आए सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने बुधवार को संकट मोचन मंदिर में दर्शन पूजन किया। उन्होंने संकट मोचन से अपने राज्य की समृद्धि और बेहतर तरीके से उसकी सेवा करने का आशीर्वाद मांगा। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। लक्ष्मण आचार्य चार दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद आए हैं। पहले दिन महापुरुषों की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रदर्शित की। वहीं दूसरे दिन प्रसिद्ध मंदिरों में दर्शन पूजन का कार्यक्रम रहा। इसी क्रम में संकट मोचन मंदिर में उन्होंने दर्शन पूजन किया। उन्होंने कहा कि भगवान राम ने कहा है कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। मैं उसी का हिस्सा हूं। मेरा सौभाग्य है कि संकट मोचन का दर्शन कर उनसे प्रार्थना किया कि मुझे जिस राज्य की सेवा करने का अवसर मिला है उसकी बेहतर सेवा कर काशी का सम्मान बढ़ा सकूं। कहा कि काशी विश्व की सबसे बड़ी सांस्कृतिक राजधानी है। सौभाग्य की बात है कि सांस्कृतिक गरिमा के अनुरूप सुंदर काशी का निर्माण हो रहा है। बहुत अच्छा है। मैं काशी का तो हूँ और भगवान श्री राम ने कहा है कि जननी जन्मभूमिश स्वर्गा दपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी महान होती है, तो मैं तो उसी का हिस्सा हूँ। मेरा सौभाग्य है कि संकट मोचन जी का दर्शन करके भगवान से मैंने प्रार्थना किया कि मुझे जिस राज्य की सेवा करने का अवसर मिला है उसकी बेहतर सेवा करके मैं काशी का सम्मान बढ़ाने का अवसर प्राप्त करूं। इतनी संकट मोचन जी से प्रार्थना किया है। काशी के लिए आपका क्या है, क्या यहाँ के लिए आपके लिए मन में है, क्या करना चाहेंगे? काशी तो विश्व की सबसे बड़ी सांस्कृतिक राजधानी है। सौभाग्य की बात है कि सांस्कृतिक गरिमा के अनुसार जो इसकी पहचान है उसके अनुसार एक सुंदर काशी का निर्माण हो रहा है, सुंदर काशी बन रही है। हमारा बहुत अभिनंदन है आप सबको। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्रीराम रमापति बैंक के वार्षिकोत्सव व भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आगामी रामनवमी 30 मार्च गुरुवार को श्रीराम रमापति बैंक का 96वां वार्षिकोत्सव तथा भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जहां इस साल भी हजारों भक्तों के हस्तलिखित एवं संचित कुल 19,42,34,25,000 श्री राम नाम तथा 1,25,000,000 श्री शिव नाम की अद्भुत झांकी तथा परिक्रमा प्रारंभ होगी। ये हर साल रामनवमी से लेकर आगे 10 दिन तक मनाया जाता है। ये कार्यक्रम गुरुवार प्रातः 9 बजे झांकी और परिक्रमा से प्रारंभ किया जाएगा, फिर महाप्रसाद रोली का वितरण कर भगवान को भोग लगाकर आरती की जाएगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लेखन जप एवं पाठ के नए कर्जों का वितरण होगा। शुक्रवार को 9 बजे भगवान को चढ़ाए गए वस्त्र और खिलौने बच्चों में प्रसाद के तौर पर बांटे जाएंगे। नित्य दिन में 4 बजे से कथा कीर्तन तथा रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं भगवान का चरित्र वर्णन होगा। राम नाम जमा होता है तो अब तक कितना जो है जमा हो चुका होगा? राम रमापति बैंक अपनी स्वर्ण जयंती की ओर बढ़ रहा है। यह 96वां वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। 96 वर्ष इस राम रमापति बैंक को शुरू हो गए। पिछले 96 वर्षों में यहाँ के सदस्यों की संख्या जो लाखों के करीब है, उनके द्वारा लिखित हस्तलिखित राम नाम का संग्रह 19 अरब से ऊपर यहाँ हो चुका है। यह 19 अरब से ऊपर राम नाम का जो संग्रह है, यह प्रत्येक वर्ष राम जन्मोत्सव पर, हमारे यहाँ राम जन्मोत्सव रामनवमी वाले दिन से आगे 10 दिन तक मनाया जाता है बड़े धूमधाम से। तो इस राम जन्मोत्सव पर ये सारे राम नाम निकाले जाते हैं और इसकी पूरी परिक्रमा की व्यवस्था होती है जो साल में सिर्फ 10 दिन रहती है। तो अरबों राम नाम जो बड़े नियम संयम से बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ लिखे गए हैं, उसकी परिक्रमा के उद्देश्य से लोग यहाँ आते हैं, राम जन्मोत्सव में शामिल होते हैं और धर्म अर्थ काम मोक्ष इसकी प्राप्ति हेतु
इस राम नाम की परिक्रमा करते हैं। तो ये इसकी शुरुआत कब हुई थी और किसने की थी? राम रमापति बैंक की स्थापना हमारे दादाजी के दादाजी दास छन्नू लाल जी के द्वारा 96 वर्ष पूर्व हुई थी, और उस समय से ये सारे नियम उसी प्रकार से चले आ रहे हैं राम नाम लेखन के। जो राम नाम लेखन यहाँ से लिखने के लिए दिया जाता है वो अनुष्ठान के रूप में दिया जाता है, जिसमें जो व्यक्ति राम नाम लिखता है उसको शुद्ध शाकाहारी भोजन करना होता है, प्याज लहसुन छोड़ना होता है जितने दिन राम नाम चलता है। अर्थात यह क्रिया 8 महीने 10 दिन की होती है। उस दिन से आगे जब तक 8 महीने 10 दिन तक वो लिखते हैं तब तक इन नियमों का पालन करते हैं और अपनी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए राम नाम का अनुष्ठान करते हैं। राम नाम लिखने के लिए कागज स्याही कलम दवा राम रमापति बैंक से निःशुल्क दी जाती है। जो लोग इन नियमों का पालन करते हैं उनको यहाँ से राम नाम दिया जाता है, तत्पश्चात जब उनका पूर्ण हो जाता है तो लाके जमा कर देते हैं। उसी प्रकार से पिछले 96 वर्षों में जो ये 19 अरब राम नाम है एकत्रित है, और इतना बड़ा राम नाम का संग्रह आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। रा और म दो अक्षर एक शब्द, लेकिन इसमें पूरा ब्रह्मांड है। एक राम ही काफ़ी है। हनुमान जी ने शिलाओं पे लिखा फेंक दिया, शिलाएं तैर गईं, लेकिन वो लिखने वाले कौन थे? हनुमान। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा रामनवमी के अवसर पर अखंड पाठ का आयोजन हुआ। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा प्रथम बार देवों के देव महादेव के आराध्य श्री राम की आराधना हेतु बाबा विश्वनाथ धाम में रामनवमी के पावन अवसर पर अखंड पाठ सहित भक्ति गीतों का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इस पावन अवसर पर मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा, प्रोफेसर नागेश्वर पांडे, अध्यक्ष श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास, विधायक डॉ नीलकंठ तिवारी सहित अनेकों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। हरि हर कथा मंगल प्रभुनाथ है दाढ़ी मेरा नाम है। मैं आप लोगों को प्रणाम कर रहा हूँ। डीन काशी के जितने दर्शक हैं, केटीवी के जितने दर्शक हैं, आप लोगों को प्रणाम। और बड़ी खुशी और हर्ष की बात है कि वाराणसी के धरती पर बाबा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में रामनवमी, कल रामनवमी है, उसके उपलक्ष्य में यह रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, जिसको गायक बहुत ही अच्छे भजन गायक हैं प्रेम प्रकाश दुबे जी, जो बॉम्बे में रहते हैं, आए हैं और इस कार्यक्रम को, इस आयोजन को जो करा रहे हैं। हमारे बनारस पूर्वांचल के हर लोग के जुबान पर उनका नाम रहता है, नीलकंठ तिवारी जी जो विधायक हैं यहाँ के, और कौशल राज शर्मा जी जो बनारस के पहले DM रह चुके हैं, अभी कमिश्नर हैं। इन लोग के मार्गदर्शन में कार्यक्रम हो रहा है। इन लोगों की सोच बहुत अच्छी है। इन लोगों ने एकदम बाबा भोलेनाथ के इस दरबार को राममय बना दिया। सभी काशीवासी धन्य हो रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। मैं भी यहाँ बैठा था, मेरे तो आंखों से आंसू आ रहा था दृश्य देख करके। कितनी बृहद चर्चा, और कौशल राज जी तो अपने लड़के को भी बैठा के पाठ करा रहे थे। ये देखिए आजकल इंग्लिश मीडियम में लोग जा रहे हैं, लेकिन हमारे कमिश्नर अपने पुत्र के हाथ में रामायण की पुस्तक दे करके, और उनके बच्चे बहुत बढ़िया से उच्चारण कर रहे थे और पढ़ रहे थे। इसके लिए दिल से मैं प्रशंसा करूंगा कौशल राज जी को, जो बनारस के कमिश्नर हैं। ऐसे अधिकारी जो इस तरह से अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे, बहुत अच्छा होगा भविष्य के लिए। हम सबको सीखना चाहिए कौशल शर्मा जी से। काशीपुरा स्थित माँ विंध्यवासिनी के श्रृंगार महोत्सव के अंतर्गत भंडारे का आयोजन किया गया। काशीपुरा स्थित विंध्याचल माता का भव्य वार्षिक श्रृंगार महोत्सव के आयोजन के अंतर्गत दूसरे दिन माता के दरबार में भक्तों के लिए भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें माता के जय जयकार के बीच भंडारा शुरू हुआ। इस दौरान हजारों भक्तों ने उपस्थित होकर माता का प्रसाद ग्रहण किया। देर रात तक भक्तों ने पहुंचकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में उपस्थित अध्यक्ष मुन्ना कसेरा ने माता से सभी के सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कसेरा समाज के लोग उपस्थित रहे।
क्या है मुन्ना लाल जी, किस तरह का ये भंडारा चल रहा है? ये जो है सुबह जो है लगातार 10 दिन से जो भंडारा जो है शुरू है और लगातार हजारों की संख्या में ये चल रहा है। सुबह जो है 108 कन्याओं का पूजन किया गया, उसके बाद ब्राह्मण भोज किया गया और उसके बाद लगातार जो अभी देर रात तक भक्तों के आगमन तक ये लगातार चलता रहेगा और इसी तरह जो है लगातार। क्या उद्देश्य होता है इस कार्यक्रम का आपके? देखिए ये हमारा उद्देश्य है कि कम से कम इस क्षेत्रवासियों को इसका जो है लाभ मिले, यही हम लोग की कामना है। इसी के साथ हम लोग जो आज ये 3 साल में जो भंडारा होता है जो आज किया जा रहा है, श्रृंगार का कार्यक्रम हर साल होता है लेकिन भंडारा का आयोजन 3 वर्ष होता है और हम क्षेत्रवासियों को उनका आभार व्यक्त करते हैं जो इस जो है जो जिस प्रकार से सहयोग दिया, हम उसके बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं इसी तरह आगे भी सहयोग मिलता रहे। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के योग साधना केंद्र में संगोष्ठी आयोजित हुई। भगवान बुद्ध ने चेतना को ही कर्म कहा है। चेतना के द्वारा ही काया वाणी या मन से कर्म को करता है। चेतना से प्रेरित कर्मों का कुशल तथा अकुशल भेद का पाली साहित्य में निरूपण किया गया है। ये विचार संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रथम श्रमण विद्या संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर जगन्नाथ उपाध्याय की स्मृति में श्रमण विद्या संकाय के अंतर्गत योग साधना केंद्र में अभिधम्म दर्शन में कर्म एवं पुनर्जन्म तथा अभिधम्म ग्रंथों में हृदय वत्थु विषय पर आयोजित संगोष्ठी में बीएचयू के पाली एवं बौद्ध अध्ययन विभाग के विशिष्ट विद्वान प्रोफेसर बिमलेंद्र कुमार ने बतौर मुख्य वक्ता किया। प्रोफेसर बिमलेंद्र कुमार ने बताया कि कर्म सिद्धांत आत्मा की मान्यता पर निर्भर करता है और बौद्ध धर्म में आत्मा है ही नहीं। भगवान बुद्ध के कर्म सिद्धांत का संबंध कर्म से था और वो भी वर्तमान जन्म के कर्म से। विशिष्ट अतिथि पूर्व संकायाध्यक्ष श्रवण विद्या संकाय के प्रोफेसर हरप्रसाद दीक्षित ने आचार्य जगन्नाथ उपाध्याय के जीवन पर प्रकाश डाला। अध्यक्षीय उद्बोधन कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी का रहा। इस दौरान मंचस्थ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। मंचस्थ अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत और अभिनंदन हुआ। समस्त कार्यक्रम का संचालन डॉ रविशंकर पांडे ने किया। इस मौके पर प्रोफेसर राम पूजन पांडे, प्रोफेसर हरिशंकर पांडे, प्रोफेसर जितेंद्र कुमार शाही, डॉ पद्माकर मिश्र, प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी आदि लोग उपस्थित रहे। ये कार्यक्रम जो है श्रवण विद्या संकाय अध्यक्ष के द्वारा आयोजित है। श्रवण विद्या संकाय के प्रथम संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर आचार्य जगन्नाथ उपाध्याय जी थे, उन्हीं की स्मृति में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय हर वर्ष एक व्याख्यान माला की आयोजन करते हैं। तो इस वर्ष का जो व्याख्यान माला के जो मुख्य वक्ता हैं, जो वक्ता हम लोग बाहर से बुलाते हैं, जिसके लिए 5,000 रुपये हम लोग देते हैं मानदेय के रूप में और जो TA होता है वो TA देते हैं अलग से। तो हमारे प्रोफेसर बिमलेंद्र कुमार जी ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पाली एवं बौद्ध विभाग बौद्ध अध्ययन विभाग के आचार्य हैं। पूर्व में वो विभाग अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान हैं। उनका जो है 2 संभाषण होगा। पहला जो है अभिधम्म में कर्म एवं पुनर्जन्म, ये पहला है। और दूसरा जो टॉपिक है अभिधम्म ग्रंथों में हृदय वस्तु, यानी अभिधम्म ग्रंथ में हृदय वस्तु, ये दो पर चर्चा जो है हमारा अभी से 12 बजे से शुरू हुआ है और 4 बजे तक चलता रहेगा। और इसकी अध्यक्षता हमारे माननीय कुलपति जी प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी जी करते हैं। चर्चा है कितना लाभ इसे लाभ तो बहुत, जैसे कर्म आजकल देख रहे हैं कि जो संसार में जो हिंसा है, व्यभिचार है, चोरी है, भ्रष्टाचार है, ये इसको जोड़ा गया है। ये जो आप कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको अगले जन्म में मिलेगा, आप मुक्त नहीं हो जाएंगे। इससे लोग बेखबर हैं, इनको लोग नहीं जान रहे हैं और वो दुष्कर्म कर रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं, अकुशल कर्म करते जा रहे हैं। इससे यह संदेश जाएगा कि अच्छा कर्म करना चाहिए ताकि हमारा यह जीवन तो अच्छा रहे ही, अगला जीवन भी हमारा सार्थक बन जाए, बढ़िया हो
जाए, मंगल हो जाए, हमारा भी मंगल हो, समाज का भी मंगल हो, राष्ट्र का तभी कल्याण हो। शास्त्री घाट पर आयोजित जवन का मंगल कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। धर्म, आध्यात्म और संस्कृति की राजधानी काशी को त्योहार का शहर कहा जाता है, जहां नित रोज त्योहार मनाए जाते हैं। तो वहीं त्योहारों और परंपराओं के बीच वाराणसी के शास्त्री घाट पर बड़े ही धूमधाम के साथ जवन का मंगल का कार्यक्रम मनाया गया। पिछले कई सालों से जवन का मंगल मनाया जा रहा है। इस दौरान घाटों पर देर रात तक नन्हे मुन्ने बच्चों और छात्रों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीत संगीत और नृत्य की प्रस्तुति दी गई। वहीं सैकड़ों की तादाद में लोग घाट पर मौजूद रहे। इस दौरान वनिता इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिजाइनिंग की प्रिंसिपल मीनाक्षी भाटला ने बताया कि जवन का मंगल बहुत ही अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जिसमें नवोदित कलाकारों को बहुत ही अच्छा मंच दिया जा रहा है और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस तरह के आयोजनों से लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा मार्ग मिलता है। ऐसे कार्यक्रमों को और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। विश्व संवाद केंद्र द्वारा प्रकाशित तीर्थरूप काशी के लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। विश्व संवाद केंद्र काशी न्यास द्वारा प्रकाशित विशिष्ट स्मारिका तीर्थरूप काशी के लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि तीर्थाटन की मौलिकता, धार्मिक महत्व, आध्यात्मिकता बनी रहनी चाहिए। यह संदेश युवा पीढ़ी में अनिवार्य रूप से पहुंचे। भारत की जो आध्यात्मिकता और जीवन शैली है, उस कारण दुनिया हमारी ओर आशान्वित होकर देखती है। क्या भारत का समाज उसके लिए तैयार है कि वो दुनिया को आध्यात्मिक मार्गदर्शन दे सके? लंका स्थित विश्व संवाद केंद्र काशी कार्यालय पर लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने आगे कहा कि काशी ज्ञान एवं समरसता की भूमि है। भारत में जन्मे सभी मतपंथों का स्थान काशी में है। यहां तीर्थ क्षेत्रों में संपूर्ण समाज बिना भेदभाव के प्रवेश कर सकता है। विशिष्ट अतिथि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्व संवाद केंद्र काशी न्यास के अध्यक्ष प्रोफेसर विशन किशोर ने की। कार्यक्रम का प्रारंभ अतिथियों ने भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। मंगलाचरण वेंकट रमन ने किया स्वागत संबोधन। न्यास के उपाध्यक्ष डॉ हेमंत गुप्ते एवं अतिथि परिचय स्मारिका के प्रबंध संपादक नागेंद्र द्विवेदी ने किया। अंत में मालविका तिवारी एवं अंजलि गुप्ता के स्वर में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से कार्यक्रम का समापन किया गया। ये जागरण पत्रिका का हमारा ये है कि हर गांव में ये पहुंचेगी। काशी प्रांत के जितने भी संघ की दृष्टि से तो ये प्रशासनिक दृष्टि से 12 जो जिले हैं, तो उन सभी जिलों के प्रत्येक गांव में पहुंचाने की जो हमारा अपना नेटवर्क है, इसके माध्यम से पहुंचाने का ये आध्यात्मिक चेतना से लोगों को क्या लाभ होगा? हाँ, ये देखिए, आध्यात्मिक चेतना जागृत करने से लोगों में एक नैतिकता का बोध होगा। केवल भौतिकता जो है व्यक्ति का उत्थान नहीं कर सकती है, राष्ट्र का उत्थान नहीं कर सकती है, इसलिए नैतिक मूल्यों का जागरण ये बहुत आवश्यक है। और आज के समाज में जैसे जैसे भौतिकता बढ़ रही है, नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। इस दृष्टि से ऐसी कोई एजेंसी, कोई ऐसा फोरम नहीं है जो नैतिक मूल्यों का जागरण कर सके। यह पत्रिका इस मामले में निश्चित रूप से सभी की सहायता करेगी।
शुल्क अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये निःशुल्क पत्रिका भी उपलब्ध कराई जा रही है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नवरात्र के अष्टमी तिथि पर मान्यता अनुसार भक्तों ने मां अन्नपूर्णा व मां मंगला गौरी के दरबार में टेका मत्था। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा प्रधानमंत्री लोकतंत्र का घोट रहे गला। बाबा महाश्मशान नाथ के श्रृंगार महोत्सव के समापन पर नगर वधुओं ने लगाई हाजिरी। और सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में नवरात्र की अष्टमी तिथि पर देवी स्वरूप कन्याओं का हुआ पूजन। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।